बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हर साल आपदा से कई इलाकों में लोग घर से बेघर हो जाते हैं, जिससे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई लोगों की विस्थापन की मांग थी, जिसे पूरा करते हुए अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के 200 परिवारों को 4,25,000 रुपए की राशि दी जा रही है, जिससे वह कहीं और आवास की व्यवस्था कर सके। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद ने राज्य सरकार से लोगों के विस्थापन के लिए आग्रह किया था। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में डीडीहाट, धारचूला और मुनस्यारी के 200 परिवारों को संबंधित राशि दी जा रही है। क्योंकि आप सबके भी ध्यान में है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमेशा लगातार आपदाएं आती रहती हैं और आपदाओं के कारण से बहुत सारे परिवारों को बहुत सारी कठिनाइयां भी रहती हैं, जिसमें रहने की परेशानी उनकी बहुत बड़ी रहती है, उनके जो पाल्य होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए भी दिक्कत होती है। उत्तराखंड राज्य की सरकार के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रयास सफल हुआ है। लंबे समय से लोगों की मांग थी कि हमें विस्थापन भत्ता दिया जाए, और उसी की कड़ी में विस्थापन भत्ते के रूप में जिनका घर था उनको 4,00,000 रुपये देने का निर्णय लिया है सरकार ने, और जिनके पास गौशाला थी और विस्थापन भत्ता एक ऐसा करीब 4,25,000 का ये पर व्यक्ति पर परिवार दिया जाएगा। लगभग 200 परिवार धारचूला, मुनस्यारी और डीडीहाट के लिए पहला ये स्लॉट हमारा जारी हुआ है।